वेलकम बैक टू द चैनल साइंस गुरु एट द रेट रामदयाल अग्रवाल। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसमें हमने चार प्रकार की वीडियो जो है देखी। वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन जिसको हम कह रहे थे इंग्लिश में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के पार्ट टू में आएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइप टू में आएंगे, जिसमें हम बची हुई चार रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें उपचयन एवं अपचयन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं रिएक्शन नंबर फिफ्थ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा आक्षेपी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा विमुक्त होती है, ऐसी अभिक्रियाएं एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो है कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिथेन को यदि हम ऑक्सीडाइज कर दें, जला दें, तो ये बनाएगा CO2 और H2O, और इससे जो है 890.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है बाहर निकलेगी। उसी प्रकार इथेन C2H6, जो फ्यूल है, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सारे फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, अगर उसको ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीकरण करें, तो वही बनेगा CO2 और H2O, और इससे बनने वाली एनर्जी लगभग होगी 1298 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी जो है होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एनर्जी यानी हीट ऊष्मा, ऐसे ही यहाँ एनर्जी हीट ऊष्मा ये बाहर निकल रही है आपकी, तो ये जो है आपकी रिएक्शन कहलाएंगी ऊष्मा आक्षेपी अभिक्रियाएं यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिन जो ऊष्मा को अवशोषित करके पूरी होती हैं, जो हीट को जो है एब्जॉर्ब करती हैं, और हीट को एब्जॉर्ब करके जो है कंप्लीट होती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो है नाम देते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना ऊष्मा को अवशोषित करे पूरा नहीं हो सकती, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जो है नाम देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल कल दिए थे H2+Cl2, ये सूर्य के प्रकाश में होती है, यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है और तब बनाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है, यानी वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी, सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्ब करेगी, और फिर जो है वो पूरी होगी। बहुत सारी रिएक्शन है जो आपकी जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जिनके ऊपर एच न्यू लिखा होता है। एच न्यू मतलब लाइट के प्रभाव में या हीट के प्रभाव में वो रिएक्शन जो है होती हैं, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, जो हीट को एब्जॉर्ब करके या हीट को सोख के पूरी होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो है नाम देते हैं। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, जिनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। एक्चुअल में रिडॉक्स अभिक्रिया जो है वो दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। पहला है उपचयन, फर्स्ट वन है उपचयन, और दूसरी है अपचयन। जनरली हम लोग जो है कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, ऑक्सीजन जहां जुड़ रही हो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम उपचयन कहेंगे। यानी ऑक्सीजन का जहां जुड़ाव हो, ऑक्सीजन का जहां
जो है अटैचमेंट हो किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, इसका उल्टा कर दीजिए 2MgO goes to 2Mg plus O2, यानी यहां देखिए MgO से O2 बाहर निकल गई, दैट इज अपचयन। इसको हम लोग जो है अपचयन का जो है नाम देंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन यदि आपका बाहर निकल रहा हो, हाइड्रोजन अगर आपका रिमूव हो रहा हो किसी स्पीशीज के अंदर से, तो उसको भी आप अपचयन का जो है नाम देंगे। और यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन यदि गेन हो रहा है तो उसको हम लोग जो है H2 plus Cl2 goes to 2HCl, इसको हम लोग जो है यहाँ पर जो है अपचयन का जो है नाम देंगे। यानी हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ जो है क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसको हम अपचयन का जो है नाम देंगे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो उसको हम कह सकते हैं कि उपचयन, और अगर अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अपचयन। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं थोड़ी सी, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी उपचयन है, और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो वो अपचयन है। जैसे मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना रहा है Mg2 पॉजिटिव, और ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना रहा है Al3 पॉजिटिव। तो Mg से जब Mg2 प्लस बना तो वो उपचयन है, यानी कि आपका इंग्लिश में क्या कह रहे हैं इसको, ऑक्सीडेशन, और इसको क्या कह रहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये भी आपका जो है क्या है, उपचयन है, ऑक्सीडेशन है, यानी कि आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो आपका उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस की गेन किए, सॉरी एस टू इलेक्ट्रॉन, ये आपका अपचयन है। ऐसे ही जो है नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए, नाइट्रोजन ने एन थ्री माइनस बनाया, ये भी आपका जो है अपचयन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो है जब होगा तो आपका अपचयन होगा, अपचयन मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन होगा। एक और बात आप देख रहे हैं, यहां किसी भी स्पीशीज के ऊपर जब फ्री एटम है, फ्री परमाणु है उसका, या मॉलिक्यूल है, फ्री आजाद मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। जब भी कोई फ्री एटम है, आजाद आपका परमाणु है, ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल जैसे O2 है आपका मॉलिक्यूल, या O3 है आपका मॉलिक्यूल, या नाइट्रोजन N2 है, या सल्फर S8 मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी आपका चार्ज इनके ऊपर जीरो होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी, जीरो होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो टेंथ वालों के लिए आगे की बात हो जाएगी, आप चार्ज की बात कीजिए, चार्ज जीरो है इनके ऊपर। अगर किसी स्पीसीज में रिएक्शन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, जीरो से क्या हो गया, प्लस टू, जीरो से क्या हो गया, प्लस थ्री, चार्ज का बढ़ना भी आप उपचयन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऐसे ही लॉस आपका चार्ज का डिक्रीज होना, जीरो से माइनस टू और भी डिक्रीज हो गया, जीरो से माइनस थ्री और भी डिक्रीज हो गया, अगर चार्ज किसी रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन का जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये उपचयन कहलाएंगी, ये अपचयन कहलाएंगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन एवं उपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता हो, ऐसी अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन एक साथ होता हो, वे आपकी जो है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे कल हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने जो है एक एग्जाम्पल किया था, जो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था वो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, याद होगा सभी को, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यहां जिंक के ऊपर चार्ज जीरो, मैंने कहा फ्री एटम है, जीरो चार्ज होगा। यहां कॉपर सल्फेट आपने कैटाइन एनाइन पढ़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सल्फेट के ऊपर होता है टू नेगेटिव और कॉपर के ऊपर हो जाएगा टू पॉजिटिव, सबने पढ़ रखे हैं। ऐसे ही सल्फेट के ऊपर यहां टू नेगेटिव, जिंक के ऊपर टू पॉजिटिव, और फ्री एटम के ऊपर जीरो, क्लियर। अब आप देखोगे कि जिंक से ZN2 पॉजिटिव हो गया, जिंक से, जिंक ZN0 से टू पॉजिटिव हो गया, यानी इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, यानी चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है इसका, उपचयन।
और यहां देखेंगे आप कि Cu2 पॉजिटिव से क्या हो गया, Cu0 घट गया चार्ज आपका, डिक्रीज हो गया चार्ज आपका, Cu2 पॉजिटिव से जीरो, ये हो रहा है आपका अपचयन। बोलिए सब बच्चों समझ में आ रहा है अच्छे से, मुझे जो है आप ऐसे दिखा के जो है बता सकते हैं कि सभी बच्चों के समझ में आ रहा है। तो ये आपका अपचयन है, ये आपका उपचयन, यानी इंग्लिश में मैं बोलूं तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपका रिडक्शन हो रहा है। अब एक बात और विशेष यहां पर ध्यान करने वाली, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक की हेल्प से कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको जो है बुक में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात देखिए, इस उपचयन में ऑक्सीडेशन में किसने हेल्प की, कॉपर सल्फेट ने। कॉपर सल्फेट नहीं होता तो क्या जिंक जिंक सल्फेट ना पाता, नहीं बना पाता, इसलिए कॉपर सल्फेट ऑक्सीडेशन में उपचयन में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी उपचायक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपचायक। और यदि जिंक नहीं होता तो क्या कॉपर सल्फेट कॉपर ना पाता, नहीं बना पाता, इसका मतलब आपके रिडक्शन में अपचयन में हेल्प कर रहा है जिंक, इसका मतलब जिंक क्या है यहां, अपचायक, जिंक क्या है यहां, अपचायक है, ठीक है, जिंक यहां पर अपचायक है जो आपके अपचयन में हेल्प कर रहा है, और कॉपर सल्फेट यहां पर उपचायक है जो उपचयन में ऑक्सीडेशन में जो है हेल्प कर रहा है। इन्हें कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं कहलाती हैं, जिनमें अपचयन एवं उपचयन एक साथ हो रहा हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ जहां हो रहा हो, उन्हें हम लोग जो है रिडॉक्स अभिक्रिया का जो है नाम देंगे। फिर है लास्ट वन, एट्थ टाइप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हो। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, बहुत बार क्या होता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसी विलयन में, सॉल्यूशन में, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, वो परत के रूप में, लेयर के रूप में या तो ऊपर आ जाएगा आपके सॉल्यूशन के, या नीचे बैठ जाएगा पपड़ी के रूप में, ठीक है, लेयर के रूप में, उसे बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे उसको, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और दैट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपके ताजमहल की सुंदरता इसी रिएक्शन के कारण जो है नष्ट हो रही है, अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण ही नष्ट हो रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कारण ही जो है नष्ट हो रही है। ताजमहल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से, और उसके साथ जब एसिड रेन आपकी होगी तो सल्फ्यूरस अम्ल रिएक्शन करेगा, और कैल्शियम सल्फाइट के PPT बनके, परत बनके, और ये नीचे पड़ जाएगी, और दूसरा बनेगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो ऐसे पपड़ी बनके किसी परत नीचे गिर जाना, बॉटम पे आ जाना, या ऐसे ही पपड़ी बनके कोई लेयर आपकी सॉल्यूशन के ऊपर आ जाए, प्रेसिपिटेट बना के हार्ड मटेरियल बनाए कोई, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें PPT प्रेसिपिटेट बनते हों, आप उनको अवक्षेपण अभिक्रियाओं का जो है नाम देंगे, अवक्षेपण अभिक्रियाएं जो है कहलाती है। तो ये है भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पार्ट टू। पार्ट वन हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से जो है इन रिएक्शंस की टाइप्स को जो है पढ़ लेना पार्ट टू को, और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा आपके लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन है, हम शार्प जिक के पॉइंट शुरू कर चुके हैं, आप अगर आप देखोगे आज चैनल को जो है ओपन करके तो देखेंगे कि शार्प जिक के पॉइंट की एक वीडियो डली हुई है, जिसमें 5 जो है जिक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं। इसी तरह से आपको हर रोज शार्प जिक के पॉइंट पर 5 क्वेश्चंस जिक के मिलेंगे हर रोज, और सुबह सुबह 5:30 पे आपको 1 मिनट का शार्प न्यूज पॉइंट मिलेगा, जिसमें
महत्वपूर्ण दिन की जो है न्यूज होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल से, तो लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है इसी तरह से जो है आप इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर कहता हूँ कि लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल का नाम पता है आपको, साइंस गुरु एट द रेट रामदिया लाडवाल जो है आपके चैनल का जो है नाम है, और चैनल को आप लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।